दोस्तों ये देखो यार, हम लोग के साथ मजदूरी किया जा रहा है। मतलब कि आप लोग बोलते हो ना कि मैं अवेंजर्स हाउस में रहता हूँ, मस्ती करता हूँ। नहीं भाई नहीं, यहाँ पे हम लोग को काम भी करना पड़ता है। यहाँ पे देखो सारे के सारे अवेंजर्स लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर मैं भी काम कर रहा हूँ। फ्रैंकलिन रुक क्यों गए, जल्दी से काम खत्म करो, रुके हुए क्यों हो? अरे हाँ आयरन मैन, कर रहा हूँ बाबा। गाइज हमें यहाँ पे ना गार्डनिंग वाला काम मिला है। हाँ वही घास कवाड़ने वाला। और यहाँ पे देखो आयरन मैन कोई नहीं काम कर रहा है, बाकी गाइजर हम सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। अरे आयरन मैन तुम भी काम करो ना, हम लोग से अकेले से काम क्यों करा रहे हो? अगर मैं काम करने लग गया तो यहाँ पे चेक कौन करेगा? चेक करने के लिए होना चाहिए ना। मैं तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा हूँ फ्रैंकलिन, सब लोग मिलके अच्छे से काम करो, जल्दी काम खत्म करो। हाँ हाँ दिख रहा है कितना हौसला बढ़ा रहे हो। गाइस चलो यार जल्दी से वाला काम करते हैं। एक सेकंड गाइजर, बहुत ही भूख लग रहा है। अरे तुम सब लोग को भी भूख लग रहा है क्या एवेंजर? जल्दी बताओ। दोस्तों यार मुझे तो यहाँ पे बहुत ही भूख लग रहा है। आइला मुझे भी भूख लग रहा है। हल को भी भूख लग गया। कुड़ी बाबा डॉक्टर स्ट्रेंज को भी बहुत भूख लग गई है। अरे आयरन मैन हम सबको भूख लग गई है, तुम सुबह से हम सबसे काम करा रहे हो, भाई कुछ खाने पीने का भी तो बंदोबस्त करो। अरे हाँ खाने पीने का, रुको मैं अभी जोमैटो से बर्गर मंगाता हूँ। एक सेकंड, मेरा यहाँ पे जोमैटो चल ही नहीं रहा है। अरे अब क्या करें, मैं तुम लोग के लिए क्या मंगाऊँ, कैसे मंगाऊँ, यहाँ पे तो मेरा जोमैटो चल ही नहीं रहा। एक काम करो ना फ्रैंकलिन, तुम और स्पाइडरमैन तुम लोग दोनों जाओ मेरी बाइक लेकर के, और पास वाले बर्गर शॉप से बर्गर ले आ जाओ ना यार, प्लीज। आइला सर जी, हम लोग जोमैटो वाले दिखते हैं कि आज जो खाना डिलीवर करेंगे। देख लो स्पाइडरमैन, यही एक लास्ट ऑप्शन है, अगर चाहते हो तो जाओ, तो वरना ऐसे ही काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे स्पाइडरमैन चलना भाई, वहाँ पे एक दो बर्गर एक्स्ट्रा भी खा लेंगे, क्यों जिद्दी कर रहा है, चलना मजा आएगा, और से भी हम लोग को थोड़ा गार्डनिंग से छुट्टी मिल जाएगी। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था फ्रैंकलिन, चलो चलो चलते हैं। अरे हाँ गाइजर चलो चलते हैं बर्गर लाने के लिए। लाओ आयरन मैन चाबी लाओ गाड़ी की। चलो यार स्पाइडरमैन पानी ली गाड़ी की चाबी मिल चुकी है, जल्दी से आके गाड़ी में बैठो। अरे आ जाओ चलो बर्गर खाने के लिए चलते हैं। नहीं नहीं बर्गर लाना भी तो है, तो हाँ बर्गर लाने और खाने के लिए चलते हैं। अरे तुम लोग दोनों क्या हो गया, रुक क्यों गए? तुम लोग दोनों चालू हो जाओ, गए ना फ्रैंकलिन स्पाइडरमैन बर्गर लाने के लिए, तब तक तुम लोग गार्डनिंग करो, समझे? ओड़ी बाबा वो लोग को तो छुट्टी मिल गई, हमें भी जाना चाहिए था बर्गर लाने के लिए, वो लोग तो चालाक बन गए। अरे गाइजर हम लोग ने यहाँ पे चालाकी से बायर गार्डनिंग को स्किप कर दिया, मतलब कि गार्डनिंग से छुटकारा पा लिया है। अब गाइजर हमें यहाँ पे घास नहीं कबाड़ना पड़ेगा, क्योंकि गाइजर वो तो हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज करेंगे, हम लोग तो गाइजर चुपचाप बर्गर लेने के लिए जाएंगे, और गाइजर दो तीन बर्गर दबा भी देंगे वहाँ पे, मतलब खा लेंगे, क्योंकि गाइजर पैसे तो हमारे पास है, बोल देंगे दो तीन पैसे ज्यादा खर्च हो गए, चलो गाइजर जल्दी जाते हैं बर्गर लेने के लिए। ओके गाइजर फाइनली हम लोग आ चुके हैं ये देखो बर्गर वाली शॉप में, बट एक सेकेंड यहाँ पे तो गाइजर ऑलरेडी घोस्ट कमिटी वाले लोग आ चुके हैं, जैसे कि रेड डेविल बॉस, सर्बियन डांसिंग लेडी और घोस्ट। ओह नो स्पाइडरमैन ये क्या हो गया? आई लव फ्रैंकलिन चलो हम लोग डरते थोड़ी ना ये लोग से। वो तो बात अलग है डरते नहीं है, बट गाइजर ये कुछ हमारे साथ कर कुर ना दे, क्योंकि स्पाइडरमैन तुम्हें तो पता है ये लोग भूत हैं। अरे ये लोग भूत हैं तो हम लोग इनके भूत के पापा हैं, चलो आ जाओ दिखाते अपना जलवा। अरे वो स्पाइडरमैन भाई यार यहाँ पे कुछ हीरोपंती मत कर देना, चुपचाप बर्गर लो और चलो यहाँ से। अरे हाँ लेते लेते। ओए भाई साहब जल्दी जल्दी 10-15 बर्गर बना दीजिए, जल्दी जल्दी बनाइए। भाई साहब हमारा बर्गर पहले बनाइए, हम लोग उतना देर से खड़े हैं, जल्दी बनाइए हमारा बर्गर। आइला हम लोग तुम्हारे रेगुलर कस्टमर है, भूल गए क्या? हमारा बर्गर जल्दी बना के दो, देरी नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो पता है अवेंजर्स लोग को देरी कतई पसंद नहीं। ओए तमीज में समझे, हम लोग यहाँ पे पहले से खड़े हैं, दिख नहीं रहा है क्या? हम लोग भी बर्गर लेने के लिए आए हैं, हम लोग का पहले बर्गर ऑर्डर कंप्लीट होगा उसके बाद तुम्हें मिलेगा, समझे? ओ भाई साहब हमारा बर्गर दीजिए। नहीं हमारा बर्गर पहले मिलेगा, निकलो यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, बात करता है रेड डेविल बॉस, चल भाग यहाँ से। और से भी तुम लोग भूत हो, यहाँ पे बर्गर खाने क्यों आए हो, जाओ जाके जूता चप्पल खाओ, लोगों की मार खाओ, समझ में नहीं आया क्या? ओए स्पाइडरमैन पर्सनल मत जाओ, तो वरना मैं अगर चला गया ना तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ में ही नानी याद दिला दूंगा। अच्छा एक थप्पड़ में नानी याद दिलाएगा, रुको मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं स्पाइडर हूँ, मैं उड़ उड़ के मारूंगा, ये लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये लो, मजा आया कैसा लगा, गिरा दिया ना मैंने तुझे। अरे यार यहाँ पे स्पाइडरमैन लड़ाई क्यों कर रहा है, स्पाइडरमैन लड़ाई करना बंद कर। आइला ऐसे कैसे लड़ाई करना बंद कर दूं, देख नहीं रहे हो रेड डेविल बॉस कितने अकड़ में चलता है, और कितने अकड़ में जाके बात कर रहा था मुझसे, बर्गर मुझे ही मिलेगा देख लेना पहले। हाँ सर ये क्या हो गया, रेड डेविल बॉस सर स्पाइडरमैन ने आपको धक्का देके गिरा दिया, इसका बदला तो लेना पड़ेगा। हाँ लूंगा इसका बदला, जरूर लूंगा स्पाइडरमैन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं स्पाइडरमैन, तुमने मुझे धक्का दे गिराया, ये लो मार खाओ, कैसा लगा, एक मुक्के में ही ढेर हो गए। क्यों स्पाइडरमैन नानी याद आ गई क्या, और बोलो उठ के तो बताओ कैसा लगा मुक्का। स्पाइडरमैन एक सेकेंड, ये तूने क्या कर दिया रेड डेविल बॉस, स्पाइडरमैन तू ठीक है ना?
ओह नो गाइजर, यहाँ पे स्पाइडरमैन तो हिल भी नहीं रहा है। ये क्या कर दिया रेड डेविल बॉस, तूने स्पाइडरमैन को मार दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको रुको, अरे स्पाइडरमैन, ये क्या हो गया स्पाइडरमैन? जाग भाई जाग। गाइस देख रहे हो, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा, ना तो गाइजर हिल रहा है। अब क्या करूंगा मैं भाई? ओए रेड डेविल बॉस, ये तूने क्या कर दिया, अब तू नहीं बचेगा। ओह नो, ये क्या हो गया? मैंने तो बस एक मुक्का ही मारा था, इससे ये कैसे मर सकता है? नहीं, ये मरा नहीं है, नहीं मरा है ये। मेरा बात सुनो, ये नहीं मरा है। अरे ओए रेड डेविल बॉस, तेरे सामने स्पाइडरमैन गिरा हुआ है और कितना झूठ बोलेगा। तुमने बेरहमी से स्पाइडरमैन को मार दिया। रुको रुको, मैं अभी कॉल करके सारे के सारे एवेंजर्स लोग को बुलाता हूँ, वो लोग तुम्हें बताएंगे। उसके बाद हम लोग पुलिस को भी बुलाएंगे। नहीं ऐसा मत करना, पुलिस को मत बुलाना, नहीं ऐसा मत करना। ओ नो, सर्बियन डांसिंग लेडी, घोस्ट, बचाओ यार, ये लोग पुलिस बुला रहे हैं। सर, रेड डेविल बॉस सर, आपने लेकिन गलत किया, उसे मारना नहीं चाहिए था जान से, उसको हल्का सा थप्पड़ ही मार देते। हाँ, आपने तो उसे इतना कस के मारा कि वो मर ही गया। ये क्या, तुम लोग दोनों भी मेरे को ऐसा बोल रहे हो? अरे मैंने उसे जान से नहीं मारा, बस हल्का सा मुक्का मारा था, ये ऐसे कैसे मर गया? दोस्तों आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे गाइजर स्पाइडरमैन कुछ बोल भी नहीं रहा, कुछ हिल भी नहीं रहा है। हमारा स्पाइडरमैन, अरे भाई कुछ तो बोल गाइजर, जल्दी जल्दी, मैं यार अवेंजर्स लोग को बुलाता हूँ। अवेंजर्स लोग जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे पता है बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, यहाँ पे रेड डेविल बॉस ने स्पाइडरमैन को मार दिया है, जल्दी से आ जाओ। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, स्पाइडरमैन कहाँ है? ओह नो, स्पाइडरमैन के साथ ये क्या हो गया? स्पाइडरमैन कुछ तो बोलो। अरे आयरन मैन, देखो ना यार, स्पाइडरमैन के साथ क्या हो चुका है। पता है आयरन मैन, मैं तब से स्पाइडरमैन को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्पाइडरमैन उठ भी नहीं रहा है, वो कुछ बोल भी नहीं रहा है। प्लीज देखो, यहाँ पे रेड डेविल बॉस ने उसे ऐसा मुक्का मारा कि स्पाइडरमैन बेहोश हो गया लगता है। ये क्या, रेड डेविल बॉस, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या हो गया स्पाइडरमैन? रुको, मैं अभी डॉक्टर कॉल करता हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, यहाँ पे इमरजेंसी है। सब लोग सामने से हट जाओ, डॉक्टर आ चुके हैं। किसने कॉल किया था? अरे डॉक्टर साहब, मैंने कॉल किया था। यहाँ पे देखिए, स्पाइडरमैन की हालत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज देखिए उसे। इसकी, रुकिए मैं अभी चेक करता हूँ इसकी हालत कैसी है। गाइस यहाँ पे देखो, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में क्या आया, स्पाइडरमैन ठीक तो हो जाएगा ना? है, माफ करिएगा, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये स्पाइडरमैन ना अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसकी सांसें नहीं चल रही है। मुझे माफ करिएगा, मैंने बहुत ट्राई किया, बट हम लोग मिलकर के स्पाइडरमैन को नहीं बचा सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब बताइए, आप लोग यार आखिरी बार देख लीजिए स्पाइडरमैन को, क्योंकि अब स्पाइडरमैन इस दुनिया में नहीं रहा, माफ करिएगा। ओ नो गाइजर, ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, स्पाइडरमैन नहीं रहा इस दुनिया में। देखो गाइजर, यहाँ पे सारे के सारे लोग रो रहे हैं। मैं रेड डेविल बॉस, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे गाइजर भाई सजा दिलवा के रहूंगा, चिंता मत करो। डॉक्टर साहब पुलिस को कॉल करिए, यहाँ पे पता है रेड डेविल बॉस नहीं मारा है, यहाँ पे स्पाइडरमैन को, पुलिस को अभी कॉल करिए। नहीं नहीं, मत कॉल करिएगा, मैंने तो बस इसे छुआ था, ये अपने आप ही गिर गया और मर गया। मत करिए डॉक्टर साहब, पुलिस को कॉल मत करिए। मुझे माफ करना, बट मुझे तो पुलिस को कॉल करना ही पड़ेगा, डॉक्टर हूँ। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आ जाइए, यहाँ पर रेड डेविल बॉस ने मर्डर कर दिया स्पाइडरमैन का, जल्दी आइए और उसे अरेस्ट करिए। ओह नो, मैंने मर्डर उर्डर नहीं किया है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, तुमने किया है मर्डर, मेरे सामने, आंखों के सामने, यहाँ पे सब लोग गवाह हैं, तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा, हम लोग मिल करके तुम्हें जेल भेज देंगे, रेड डेविल बॉस देख लेना। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तुम सब लोग मुझे जेल नहीं भेज सकते, मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैंने इसे नहीं मारा। तुमने मारा है और तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम्हें जेल भेज के रहूंगा मैं। ओए, मैं हूँ इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे, मैं यहाँ पे जुर्म होने नहीं दे सकता। किसने किया है ये जुर्म, कौन है कातिल, मैं देख के बता सकता हूँ। ओए तू है ना मुजरिम, तू ने कत्ल किया है ना? अरे नहीं, मैंने तो आपको उल्टा कॉल करके बुलाया है। मुजरिम वही रेड डेविल बॉस है, जिसका चेहरा डेविल जैसा है रेड कलर का। ओए वो तो मुझे पता चल ही गया था, मैं चुलबुल पांडे जो हूँ। अच्छा तू है रेड डेविल बॉस, चल बे, तूने इस मासूम से बच्चे को, स्पाइडरमैन को मार दिया, अब तू थाने जाएगा और उसके बाद जेल, जेल में तू चक्की पीसेगा, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। सर मुझे जेल मत भेजो सर, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, मैंने बस हल्का सा मुक्का क्या मारा, वो मर गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है, सारे के सारे जुर्म वाले लोग ऐसा ही कहते हैं जुर्म करने के बाद, बट तुम तो मैं स्पेशल सर्विस दूंगा, तू सिर्फ एक बार जेल तो चल मेरे साथ। नहीं सर ऐसा मत करिएगा प्लीज। ऐसे कैसे, चिंता मत करो तुम सब लोग, हम लोग ये रेड डेविल बॉस को सजा दिला के रहेंगे, तुम सब लोग रोना बंद करो। अरे कैसे नहीं रोए सर, आप ही बताइए ना, यहाँ पे हमारा स्पाइडरमैन कितना अच्छा दोस्त था, उसे भी गाइस सर ये रेड डेविल बॉस ने मार दिया। हाँ सर, स्पाइडरमैन हमारी सारी काम किया करता था, मेरा बेस्ट था, बेस्ट फ्रेंड था, और वो मुझे हमेशा सर सर कहता था, अब मुझे सर कहने वाला कोई नहीं है, हमारा स्पाइडरमैन हमारी दुनिया में नहीं रहा। हाँ स्पाइडरमैन मेरा बेस्ट बडी था, बट अब स्पाइडरमैन इस दुनिया में नहीं रहा।
अरे बाबा, स्पाइडरमैन को ऐसे नहीं जाना चाहिए था, रेड डेविल बॉस को छोड़िएगा मत सर। ओए ये देखो, ये आप इन सब लोगों को देखो, इन सब की हालत कितनी बुरी हो चुकी है, वो भी सिर्फ तुम्हारे चक्कर में रेड डेविल बॉस। तुम मेरे साथ थाने चलोगे? चलो थाने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओए रेड डेविल बॉस, चल मेरे साथ थाने, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे प्लीज मुझे जेल मत लेके जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे प्लीज मुझे अरेस्ट मत करो। ओह नो, ये लोग तो मुझे अरेस्ट करके जेल ले जा रहे। अरे मैं सच बता रहा हूँ बाबा, मैंने यहाँ पे स्पाइडरमैन को नहीं मारा है, मैंने सिर्फ एक मुक्का मारा था, उसके बाद वो बेहोश हो गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बातों के यकीन मानिए, मैंने यहाँ पे स्पाइडरमैन को नहीं मारा, आप मुझे जेल नहीं ले जा सकते हैं। चुपचाप चलो, तुम आप अंडर अरेस्ट हो, पुलिस की गिरफ्तारी में हो, तुम यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते, अब जो भी चीज बोलना वो कोर्ट में बोलना। ओह नो, ये मैं कहाँ फंस गया, ये अवेंजर्स लोग ने मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं तो सिर्फ सुबह सुबह बर्गर खाने के लिए आया था, ये अवेंजर्स लोग के चक्कर में अब यार यहाँ पे जेल का हवा खाना पड़ेगा मुझे। और ये पता नहीं साइबेरियन डांसिंग लेडी और घोस्ट लोग कैसे हैं, मेरा मदद करने के अलावा मुझे ही बोल रहे थे कि मैंने यहाँ पे मार दिया है, वो लोगों से भी मैं बदला लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जेल से तो बाहर निकलूं, ये लोग तो मुझे जेल लेके जा रहे हैं, अब ये जेल से मैं कैसे बचूंगा। ओ नो, ये तो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा वाला जेल है, यहाँ पे ये लोग मुझे रखेंगे। ओ नो, यहाँ से भागना तो नामुमकिन है। अरे सर प्लीज मुझे यहाँ मत ले जाइए। ओ नो, ये तो मुझे जेल के अंदर ले जा रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए प्लीज। चुप हो जाओ, चुपचाप अंदर जाओ, तो वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। ठीक है सर, मैं अंदर जाता हूँ। पता नहीं कौन सा दिन आ चुका है कि मुझे अब जेल का भी हवा खाना पड़ रहा है। ओह नो, मेरा तो यहाँ पे किस्मत ही खराब है, अब मुझे अंदर जाना होगा। ये क्या, ये लोगों ने मेरा कपड़ा भी ले लिया, और ये क्या, मेरा कपड़ा पूरा कैदी वाला हो चुका है। ये जेल कितना खराब है, बकवास है, बकवास एक नंबर का। ओह नो, बस मुझे इतना छोटा सा कमरा मिला रहने के लिए, यहीं पे मुझे रहना है, वो भी ये आधा सा बेड, और यहाँ पे पानी भी नहीं है ना खाना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये जेल में देखो बहुत गुंडे बदमाश लोग भी हैं, ये मैं जेल में कहाँ फंस गया। अरे प्लीज मुझे कोई बचाने के लिए तो आओ, प्लीज मुझे कोई बचाने के लिए आओ प्लीज। ओह नो, ये जेल कितना खराब है, मैं यहाँ पे जिंदगी भर नहीं रह सकता, ये जगह बहुत ही खराब है, मुझे भूख लग रहा है, चलो एक काम करता हूँ, खाने के लिए चलता हूँ, पेट में चूहे दौड़ रहे, तब से मैं कुछ खाया नहीं, सुबह से जब मैं बर्गर खाने भी आया था उस टाइम भी मुझे बर्गर नहीं मिला, अब मैं खाऊंगा खाना। चलो फाइनली खाने का जगह तो मस्त है, यहाँ पे मैं बहुत कुछ खा सकता हूँ, अरे खाने में तो बर्गर है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, मजे आ जाएगा, चलो पेट पूजा करता हूँ। वाह भाई वाह, इतने सारे खाने, खा लेता हूँ सारा का सारा चीज। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे स्पाइडरमैन मारा जा चुका है, मतलब कि आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लास्ट टाइम RIP स्पाइडरमैन लिख दो, क्योंकि यार यहाँ पे डॉक्टर साहब ने भी कह दिया है कि स्पाइडरमैन यार अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहा, वो गाइजर मर चुका है, इसीलिए आप लोग RIP स्पाइडरमैन जरूर लिखना, हमारा प्यारा दोस्त हमारे साथ नहीं रहा। भाई यहाँ पे सारे के सारे लोग बहुत ही दुखी हैं। स्पाइडरमैन तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब हम लोग को छोड़ के क्यों चले गए, मुझे तो बहुत ही रोना आ रहा है। आइला सो के तो मजे आ गया, फाइनली नींद पूरी हो गई। अरे तुम सब लोग रो क्यों रहे हो? एक सेकेंड स्पाइडरमैन, तुम तो यहाँ पे मर चुके थे, तुम जिंदा कैसे हो गए? नहीं नहीं, मैं तो मरा नहीं था, मैं तो सोने की कोशिश कर रहा था, तुम लोग को नहीं पता मैं एक महीने से सोया नहीं था, फाइनली मुझे नींद आ गई। एक सेकेंड, तुम उतना देर से सो रहे थे, बट डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि तुम मर चुके हो क्योंकि तुम्हारा दिल नहीं चल रहा था। आयरन मैन बोलो इसे। हाँ स्पाइडरमैन, डॉक्टर ने आके चेक भी किया था और डॉक्टर ने कहा था कि तुम तो मर चुके हो, तुम्हारा दिल भी नहीं चल रहा, फिर से तुम जिंदा कैसे हो गए? हम लोग तो तुम्हें यहाँ पे अलविदा कहने आए थे। आइला क्या, आप लोग मुझे अलविदा कहने आए थे? अरे पागल वगैल हो गए क्या, मैं मरा वरा नहीं था, मैं तो सो रहा था, आप लोगों को नहीं पता मैं सोते सोते ना अपना दिल का धड़कन भी रोक सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ स्पाइडरमैन। अरे वाह, मतलब गाइजर यहाँ पे स्पाइडरमैन जिंदा है और गाइजर हम लोग ने मिलकर के यहाँ पे रेड डेविल बॉस को जेल भी भेज दिया स्पाइडरमैन के कत्ल में। अरे वाह गाइजर, यहाँ पे रेड डेविल बॉस जेल में जा चुका है, वो भी झूठे कत्ल के इल्जाम में। आइला क्या, तुमने रेड डेविल बॉस को जेल भेज दिया? अरे वाह फ्रैंकलिन, ये तो बहुत ही फनी बात है, हम लोग उससे जेल में मिलने जाएंगे। अरे हाँ जाएंगे जाएंगे, और से भी यार दोस्तों आपको तो पता ही है रेड डेविल बॉस कितना ज्यादा गलत काम करता है, उसको जेल तो जाने चाहिए था। फाइनली गाइजर वो जेल जा चुका है, अब आएगा मजा, जब यार पुलिस लोग जेल में उसे मारेंगे ना डंडे डंडे, तब पता चलेगा उसे। अरे हाँ सच में बहुत ही मजा आएगा उसे। दोस्तों अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में RIP लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पाइडरमैन जिंदा है, मुझे पता नहीं था बट अब पता चल चुका है। अरे यार स्पाइडरमैन तुम तो कमाल हो यार, मजे आ गया, फाइनली तुम मरे नहीं हो, चलो
शुक्र है। अब गाइजर रेड डेविल बॉस की बैंड बज रही होगी भाई जेल में रह रहे करके। अच्छा मतलब कि तुम सब लोग मिलकर के ये सब साजिश रचे हो झूठे स्पाइडरमैन के कत्ल में। रेड डेविल बॉस को भेज दियो जेल, ये बात तो मुझे रेड डेविल बॉस को बतानी पड़ेगी। चलो आ जाओ गोस्ट, रेड डेविल बॉस को बताने के लिए चलते हैं जेल में कि वो निर्दोष है, उनकी कोई गलती नहीं है। चल आ जाओ। हाँ हमें जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्पाइडरमैन तो जिंदा है तो रेड डेविल बॉस ने किसी को नहीं मारा। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। रेड डेविल बॉस सर, रेड डेविल बॉस सर, आप ठीक है ना जेल में? अरे क्या घंटा ठीक हो, यहाँ पे तुम्हें नहीं पता सिर्फ एक वक्त का ही खाना मिलता है और मजदूरी की जाती है। और हाँ अगर तुम यहाँ पे कुछ भी गलती कर दो ना तो पुलिस डंटे से मारते हैं। अरे बहुत ही बुरा हाल है, प्लीज सर्बियन डांसिंग लेडी और घोस्ट मुझे यहाँ से बचा के ले जाओ, कुछ खबर है तो बताओ। हमें पता चल चुका है जिससे आप बच जाएंगे, आपको पता है ना यहाँ पे स्पाइडरमैन मरा नहीं है, वो जिंदा है। हाँ वो मरा नहीं था, वो तो जिंदा है, वो ना सोने की एक्टिंग कर रहा था। मुझे पता था स्पाइडरमैन को मारा नहीं है, ये सब झूठ है। फाइनली तुम लोग को पता चल गया ना, तुम लोग मुझ पे यकीन करते हो ना? हाँ सर हम लोग यकीन करते हैं, सर्बियन डांसिंग लेडी आपकी बातों में यकीन करती है, बट एक बात तो बताइए आपको जेल से निकाले कैसे? हाँ यही तो बात है, जेल से कैसे निकाले? सोचो सोचो कि हम लोग जेल से कैसे बाहर आ सकते हैं। दोस्तों प्लीज पुलिस लोग को बताओ कि मैं यार यहाँ पे गुनहगार नहीं हूँ जिससे जेल से मुझे बाहर निकाले ये लोग। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड डेविल बॉस बिना जुर्म किए जेल के अंदर यार यहाँ पे सजा काट रहा है और सर्बियन डांसिंग लेडी और घोस्ट लोग को बचाने के लिए बाहर में पता चल चुका है कि भाई यहाँ पे स्पाइडरमैन अभी भी जिंदा है। तो गाइजर क्या लगता है यहाँ पे रेड डेविल बॉस बच जाएगा या फिर गाइजर यहाँ पे जिंदगी भर जेल में ही रहेगा? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर जितना हो सके कर देना और कमेंट करके रेड डेविल बॉस या फिर स्पाइडरमैन अब किसकी तरफ हो जल्दी से कमेंट कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।